Welcome back to my new video, which is again based on complex analysis. So in this video we are going to discover or we are going to solve a new problem, which is find the square root of a given complex number. Square roots ke bare mein aap logon ne lower standard ki classes mein padha hoga. Jaise ki for example agar humse koi puche स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम फटाक से कहते हैं 2, ठीक है. बट 2 इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So x square minus 2 whole square, we can write 4 as 2 square, which is 0. So it is of the form a square minus b square, and we know that a square minus b square can be broken down as x minus 2 x plus 2. So x minus 2 is 0, x plus 2 is also 0. So x is equal to 2, x is equal to minus 2. So there are two values which satisfy this equation, 2 and minus 2. Now the question arises, find the square root of a complex number 7 plus 24 iota. Is complex number ka aap square root find kare. So isko find karne ke liye we will be using identity, which is इस तरह के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं तो इस आइडेंटिटी का यूज जरूर होगा. और आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इस आइडेंटिटी का यूज आप लोगों ने करना है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो दोनों अगर इसको हम ओपन करें तो ये क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड, और अगर दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड, और अगर हम राइट साइड को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई वन मिनट इट इज एक्स फोर इट इज एक्स फोर एक्स फोर एक्स फोर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो x4 प्लस y4 प्लस 2 x स्क्वायर. सो LHS इज इक्वल टू RHS. सो दोनों जो साइड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं. इसका मतलब कि दिस आइडेंटिटी इज वैलिड आइडेंटिटी. सो इसको याद रखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर y स्क्वायर. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट. सो लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस 24 आयोटा से इट इज. मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है. मान लेते हैं हम फॉर द टाइम बीइंग इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो ये नंबर आ रहा है x प्लस आयोटा वाई. तो अब हमारा जो मेन टास्क रहेगा टू फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या होंगे, ठीक है. तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो. स्क्वायरिंग करने में क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स सेवन प्लस 24 आयोटा एंड एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करो, 7 प्लस 24 आयोटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर
प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2 एक्स वाई 24 आयोटा. ठीक है, तो ये आ गया आपका इस राइट हैंड साइड का रियल पार्ट और ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट. इस लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट क्या मिलेगा. सो दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स को इक्वेट करें और इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वेट करें. सो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7. ठीक है, ये भी ये रियल पार्ट है, दिस इज रियल, ये रियल है और दिस इज इमेजिनरी. इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये रियल है और दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. सो रियल इज इक्वल टू रियल एंड एंड मार्क इट एज इक्वेशन 1, इसको नंबर 1 दे दो. एंड 2 एक्स वाई, ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड का और दूसरी तरफ 24 है. तो इसको चलो सॉल्व भी कर लेते, कैंसिल कर लेते हैं. 2 को अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करें तो xy is equal to 12. वैसे जरूरत नहीं थी इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी. वैसे कर भी सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 2xy is equal to 24 और इसको दे दो नंबर 2. सो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं. अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा था कि एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है. दैट आइडेंटिटी वाज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर. रखो वैल्यूज, 1 में क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 7, तो 7 स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 49 प्लस 576 विच इज 625. सो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. तो क्या आएगा, ये दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज 625 को हम लिख सकते हैं 25 होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 25 जीरो. तो ये क्या गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, एक फैक्टर ये आ जाएगा और दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, एक फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा. तो या तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज जीरो, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 25 इज जीरो. तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25. इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि दिस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वेयर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव और स्क्वेयर्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव तो हमें नहीं कहना चाहिए. टू बी प्रेसाइज, स्क्वेयर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, बिकॉज एक्स एंड वाई क्या थे, एक्स एंड वाई वर यहां पे हमने जो लिया था, यहां पे लिखते हैं हम एक्स एंड वाई. अगर आपको डेफिनेशन याद हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दे आर रियल नंबर्स. सो यहां पे लिख लेना, इसको ऐड कर लेना, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर. सो स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव आएगा, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव. इस तरफ आपके पास पॉजिटिव, इस तरफ आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म है और इस तरफ आपके पास नॉन पॉजिटिव टर्म है, सो विच इज नॉट पॉसिबल. सो ये इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नॉन नेगेटिव, इस तरफ नॉन पॉजिटिव है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. सो आपके पास ये चीज आएगी, सो विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25. तो ये
इस इक्वेशन को आप नंबरिंग कर दो नंबर 3। एक इक्वेशन हमारे पास पहले भी थी, दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज 7। कौन सी इक्वेशन थी? ये 1 इक्वेशन थी। तो इसको सॉल्व कर लो, ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 7 32। तो x स्क्वायर 2 से 32 16, x स्क्वायर इज 16। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी? x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विल बी 0। सो x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 4, x दो फैक्टर्स आएंगे। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4, है ना। तो y की सिमिलरली y क्या वैल्यूज निकाल सकते हो? सो व्हेन x इज 4, व्हेन x इज 4 तो y क्या आ जाएगा? आप y की वैल्यूज निकाल सकते हो, या तो अगर ऐसे नहीं निकालनी है तो ऐसे कर लो फिर। y क्या था हमारे पास? y या तो इन दोनों को ही सबट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, या तो फिर वैल्यूज निकाल के देख लो आप। तो y की वैल्यूज क्या आएंगी? देखो हमारे पास 2 1 मिनट क्या हो रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7। या तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ये सब्ट्रैक्ट, ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आएगा? 2y स्क्वायर, 25 में से 7 गए, 25 में से अगर इफ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25 वी विल हैव 18, राइट। सो 2 9, सो y स्क्वायर इज 9। तो सिमिलरली यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0। सो y माइनस 3, y प्लस 3, सो y 3 एंड y माइनस 3। सो x की वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास? x की वैल्यूज आई थी 4 एंड माइनस 4, ठीक है। तो देर आर न्यूमरस मेथड्स बाय विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। आप x की वैल्यूज रख के भी y की वैल्यूज को निकाल सकते थे। तो हमारे पास, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो इसका हमने स्क्वायर रूट क्या लिया था? 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट लिया था हमने, x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यूज क्या रही है? प्लस माइनस 4 प्लस आयोटा, और y की वैल्यूज क्या रही है? y की आ रही है प्लस माइनस 3, यही आ रही है, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 प्लस आयोटा 3। इन शॉर्ट ये वैल्यूज क्या आएंगी? 4 प्लस आयोटा 3 1, फिर माइनस 4 प्लस आयोटा 3 ये क्या जाएगी? एक आएगी माइनस 4 माइनस आयोटा 3 और 4 माइनस आयोटा 3। सो दीज आर दी वैल्यूज। सो स्क्वायर रूट जो आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 इज, ठीक है, तो ये वैल्यूज आएंगी 7 प्लस आयोटा 24 का स्क्वायर रूट ये होगा। देर आर 4 वैल्यूज। रियल के केसेस में 2 आती थी और कॉम्प्लेक्स केसेस में कितने आ रही है? 4 वैल्यूज आ रही है, दो और ज्यादा हो गई, ठीक है। जैसे मैं पूछता था आपको रियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसके दो सॉल्यूशन आते थे, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। सो अगर हम पूछे व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट आंसर विल बी 3। सो यहां पे वी नो दैट कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑर्डर्ड फील्ड, वहां पे हम नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, तो देर इज नथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस आयोटा 24 विल बी दीज 4 नंबर्स। तो ये 4 नंबर्स आएंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स। तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आपको आते हैं सॉल्व करने के लिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको इसी
तरीके से इसी वे में प्रोसीड करना होगा, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज दिस आइडेंटिटी, आपको मैंने यहां पे आइडेंटिटी बताई थी, ये वाली आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी, ठीक है। टिल देन सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।